पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि करीब 14 से 16 हजार ऐसे कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक रिकॉर्ड बन सकता है। और इसे ही लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से सूची मांग ली है। 50 हजार कांग्रेसियों की लिस्ट बताओ, 50 हजार ले जाओ, इस बात की को लेकर कुछ कहा गया है राकेश सिंह की ओर से, नहीं तो माफी मांगे, ये कांग्रेस नेता का कहना है। एमपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव है राकेश सिंह और उनका यह कहना है कि नरोत्तम मिश्रा उस सूची को सबके सामने लाएं जिसमें उन्होंने ये दावा किया, 50 कांग्रेसियों की लिस्ट बताओ, 50 हजार ले जाओ। होली के बाद बूथ पर आई अभियान हमारा ज्वाइनिंग का चलेगा और उसके बाद अगर गिनीज बुक में ऐसा होता होगा तो हम दर्ज कराएंगे। होली के बाद बूथ पर आई अभियान हमारा ज्वाइनिंग का चलेगा और उसके बाद अगर गिनीज बुक में ऐसा होता होगा तो हम दर्ज कराएंगे। तो देखिए, यही वो बयान है जिसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज भी कसा है, सूची सार्वजनिक करने की भी मांग कर दी है। सीधे रुख करते हैं इंदौर का, हमारे साथ पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बड़ा बयान दिया गया था पूर्व गृह मंत्री की ओर से और ये बड़ी बात कही गई थी कि इतने संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तक दर्ज हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस तो इस पर आपत्ति दर्ज करवाएगी, सूची मांगी गई है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर और कांग्रेस के रिएक्शन पर? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस बीच में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उसी कड़ी में बीजेपी के लिए खुशी की बात भी है और बीजेपी इसीलिए कहने का ये दावा कर रही है कि 14 हजार से ज्यादा ऐसे कांग्रेस के नेता है जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। खुद नरोत्तम मिश्रा जो इस पूरे अभियान के प्रमुख है उन्होंने कहने का यह दावा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब पलटवार कर रही है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का मौका है, ऐसे में पलटवार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस ने ये बात कही है कि 50 ऐसे नेताओं के नाम सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर सामने जाहिर कर दे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, या तो जो है वो अगर वो 50 नाम जारी कर देते हैं तो 50 हजार रुपये का इनाम नरोत्तम मिश्रा को दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि अगर गलत साबित नरोत्तम मिश्रा होते हैं तो इसके लिए माफी मांगे। तो चुनावी माहौल है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार यहाँ पर इस अभियान के जरिए कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रही है उसी कड़ी में कांग्रेस भी अब इसी जो है पलटवार के जरिए बीजेपी को निशाना जरूर बना रही है। निश्चित तौर पर पीयूष, लेकिन भले ही बीजेपी ने और इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने चुनाव के माहौल में बहते हुए ये बयान दिया हो, लेकिन कांग्रेस तो उस पर अब हमलावर हो रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।